हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स में आ रहा है कि हमारे पास वीज़ा है और मेरे पास भी वीज़ा है, यूएस वीज़ा। क्या हम इस टाइम पे यूएस जा सकते हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसी के बारे में और भी थोड़ा क्वेश्चंस लूंगा मैं कमेंट्स में, तो डिस्कस करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आंसर है कि भले आपके पास यूएस वीज़ा हो, आप यूएस अभी नहीं जा सकते। B1 B2 स्पेशली फॉर टूर आप नहीं जा सकते, स्ट्रिक्ट रूल है। जैसे कि आप जा सकते हो सिर्फ अगर आप यूएस सिटीजन हो तो वापस जा सकते हो इंडिया से यूएस। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो या डिपेंडेंट हो तो जा सकते हो आप इंडिया से यूएस। लेकिन अगर आप सिर्फ B1 B2 में बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहते हो या फिर यानी कि नॉर्मल विजिट के लिए, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हो, तो आप जा नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कि 1 अगस्त के बाद जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो बैन लिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से बैन है तो हम नहीं जा सकते। मैंने कल क्या किया था दोस्तों, आपके लिए सिर्फ आप लोग ईमेल कर रहे हो और कमेंट्स में पूछ रहे हो कि हम यूएस जा सकते हैं या नहीं, हमारे पास यूएस वीज़ा है। तो मैंने खुद एयरलाइंस को फ़ोन किया और टिकट बुक करने के लिए, और उन्होंने बोला कि सर आप अभी बुक नहीं कर सकते, टूरिज्म के लिए आप जा ही नहीं सकते। वहाँ मैं जब मैं बुक करने की कोशिश की, वहाँ पे एक्चुअली द पॉलिसी बोलता है कि ट्रैवल टू यूएसए इज ओपन टू सेलेक्ट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स इंक्लूडिंग लॉफुल यूएस परमानेंट रेसिडेंस, यानी कि देयर डिपेंडेंस लाइक स्पाउसेस, पेरेंट्स एक्सेट्रा एंड सिबलिंग्स। हम नहीं जा सकते, वो भी सिबलिंग्स या जो भी चिल्ड्रन है डिपेंडेंट, वो भी बिलो 21 ईयर्स। इसका मतलब है कि हम नहीं जा सकते, इंक्लूडिंग H1B वीज़ा या फिर क्या बोलते हैं वो F1 वीज़ा, जो स्टूडेंट्स का कॉलेज या क्लासेस शुरू हो रहा है 1 अगस्त से, वो जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं। तो इसका एक मतलब है कि दोस्तों, द इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम इसलिए नहीं जा सकते कि यूएस से ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे बैन है, जिस कंट्री से ये फ्लाइट से या जो भी लोगों को इनकमिंग अलाउड नहीं है, तो इंडिया भी आता है। इंडिया के साथ साथ मैं दूसरे कंट्रीज़ का बताऊँ जो नहीं जा सकते, इंडिया, ईरान, यूरोपियन शेंजवन कंट्रीज एंड UK और आयरलैंड एंड ब्राज़ील, ये कंट्रीज़ भी आते हैं, ये भी नहीं जा सकते। तो एक्चुअली फ़्लाइट बुक करने की कोशिश की, तकरीबन आपको बता दूं कि मैंने यानी कि 2 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद का फ़्लाइट लेने की कोशिश की। आपके हिसाब से जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमी 1 मिनट फ़्लाइट आ रहा है 52,000 रुपीज़, और ओनली 7 kgs दे आर अलोइंग, 7 kgs ही अलो कर रहे हैं चेक इन में, बहुत ही कम है। ये ओवरऑल में बोलूँ तो समरी में, छोटे समरी में कहूँ कि यूएस ओपन है ट्रैवल के लिए, बट पार्शली ओपन है, ओनली फॉर H1B वीज़ास, ओनली फॉर रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस, सिटीजनशिप एंड स्टूडेंट्स, यानी कि और भी क्रू मेम्बर्स होते हैं उनके लिए भी ओपन है, और शिप में जो जॉब करते हैं जॉब रिलेटेड उनके लिए भी ओपन है, लेकिन नॉर्मल विजिट के लिए हमारे लिए ओपन नहीं है। मेरे पास वीज़ा है लेकिन मैं जाना भी चाहता हूँ। मैंने खुद एयरलाइन को बोला कि मैं जाना चाहता हूँ ऐसा फलाना, टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ, B1 B2 वीज़ा है। वो बोले कि सर यू कैन नॉट ट्रैवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी कैन ट्राई आफ्टर 1 अगस्त, अगर रूल बैन लिफ्ट कर दिया जाए, यूएस ने अगर इनकमिंग फ्लाइट को इंडिया से लिफ्ट कर दिया तो हम जा सकते हैं, प्लस इंडिया भी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है ओपन कर देंगे तो हम भी जा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ कि कौन से वीज़ा कैटेगरी, बता देता हूँ। पहले तो डिप्लोमेट जाएंगे ही, क्योंकि लीडर्स है वो डिप्लोमेट जा सकते हैं, ए और जी वीज़ास में, और CD वीज़ास में भी जा सकते हैं, यानी कि C1D वीज़ास में भी जा सकते हैं, और F1 स्टूडेंट्स वीज़ा में भी जा सकते हैं, और M1 वीज़ा में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा वीडियो अभी प्ले करूंगा। ये वीडियो ये है कि मैंने डायरेक्टली एयरलाइन को फ़ोन किया था कि ये टिकट्स बुक करने के लिए, और 10 दिन के बाद का टिकट बुक करने के लिए B1 B2 कैटेगरी में, और आप सुनिए कि उन्होंने क्या किया है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूँ, सुनिए क्या उन्होंने क्या किया है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, अभी टिकट बुक नहीं कर सकते इस कैटेगरी में। तो इसके बाद मैं वीडियो के बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, अभी फ्लाइट को एयरलाइंस को फ़ोन कर रहा हूँ कि अपने पास यूएस वीज़ा ऑलरेडी है और इस बेसिस पे हम क्या यूएस जा सकते हैं या नहीं। मुझे पता है कि वंदे भारत फ्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकन्फर्म करना चाहता हूँ आपके सामने। ये देखिए, बहुत सारा लंबा कॉल चल रहा है दोस्तों, पूरा एंगेज जा रहा है, पता नहीं कितने लोग फ़ोन कर रहे हैं। या माय नेम इज़ बालकृष्णा, सो आई जस्ट वांट टू नो बिकॉज आई थिंक बिकॉज आई वॉज इन कन्फ्यूजन दैट इन इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर halted a ban, so I already have a US visa, B1 B2, so is it possible if I want to visit for a tourism purpose, is it allowed right now, maybe next week or something, or maybe early first week of August? So where do you want to go? Sorry? So where do you want to go? For New York, from Bangalore International Airport to New York. Bangalore to New York? Yeah. And what's the target? It'll be first week of August, so that prices will be reasonable. I am a regular customer of yours. If you want, I can give you the mobile number. You can check my account. Sorry, how many visas
myself one. If at all, if maybe one more colleague, so we have to check it out later. There will be separate booking. Okay, you want to comment on the business class? Sorry? Economy class. Yeah. And, what kind of vision you are holding for New York? I can't hear. Can you be a bit louder? What kind of vision you are holding for New York? Just for a trip purpose, travel, not official, personal. Travel, but travel to what kind of vision? Like tourist visa. It's a B1, B2, tourist visa, tourist come on a business visa, both. I have both. It's called B1/B2. I applied for a official purpose, but I issued both. I'm sorry, you cannot travel. Yeah, you need for going now. Can't travel? So currently, under what visa we because can travel? Okay, so only in case, if I understand, if I'm not wrong, correct me, only in case emergency, I think some medical purpose we can travel, right? Sorry? Can anybody like myself, anybody can travel for any medical emergency or something? I cannot get you. No, see, now you're saying that only for visit. Okay. Is it? Because I heard that, you know, from your site only like Vande Bharat flight something is there. I was just checking your site actually. So technically, is it possible for me or not? Like in a common person, like for I already have a visa, but for tourism is not allowed, right? So by when we can expect, like any idea? Oh, is it? Maybe next month or something. Okay, so I'll do one thing then, maybe after this India, you know, lift the ban, like, you know, maybe first week of August, I'll call you again. Or I'll try to book online. Okay, or if you have any other information, like, is it possible? I think it's not possible, that's what you said. Under B1, yeah, B2. Mm-hmm. Okay. Okay, so what... That means only, you are trying to say only other people can travel apart from B1, B2. Yes. Okay. Got it. So I will try maybe in first week of August. I will call you again. Thanks. Sure. I will change my plans. Okay. Bye. Sure. Thanks. That's all. Thank you. Thank you very much. Okay. Yeah. Sure. Thanks. तो दोस्तों आपने सुनी लिया होगा कि एयरलाइन वालों ने बोला कि सर यू कैन नॉट बुक द टिकट एज ऑफ नाउ बिकॉज यू आर नॉट अलाउड अंडर B1 B2 वीजा विजिटर के लिए अभी फ्लाइट नहीं है तो मतलब यानी कि स्टूडेंट्स वीजा वगैरह वगैरह के लिए है नेक्स्ट मंथ ही हम देख सकते हैं तो दोस्तों इतना ही था छोटा सा अपडेट आपको कि हम जा सकते हैं या नहीं जिसके पास वीजा है अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि US वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करते रहता हूँ सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय